ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को टीवी के आइडल कपल के रूप में देखा जाता था। सोशल मीडिया पर भी उनके लवी डवी पोस्ट काफी ज्यादा वायरल होते थे और फैंस भी इस जोड़ी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर में आने के बाद इस कपल की मट्टी पलीत हो गई है, खासकर ऐश्वर्या शर्मा की। ऐश्वर्या ने अपने और नील भट्ट के शादीशुदा रिश्ते की छीछा लेदर कर दी है। 6 नवंबर यानी कि कल के एपिसोड में ऐश्वर्या ने पति नील के साथ ऐसा बर्ताव किया और जिस तरीके से वो एकदम उनके मुंह पर आकर लड़ने लगी, उससे फैंस काफी ज्यादा हैरान हो गए और थोड़े बहुत नाराज भी हो गए। और सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर उनको ट्रोल भी कर रहे हैं और बिग बॉस सीजन 17 की उनको वैम्प बता रहे हैं। दरअसल एक्स पर लोग ऐश्वर्या शर्मा के बारे में किस तरीके की बातें कर रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये सब कुछ जानने के बाद आप भी थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। ऐश्वर्या एक बार नहीं बल्कि नील पर कई बार भड़की नजर आ रही थी। विकी जैन और अंकिता लोखंडे पर उनका भड़कना फिर भी समझ में आता है, लेकिन बेवजह नील पर भड़कना और अपशब्द बोलना, ये वाकई काफी हैरान करने वाला है। दरअसल राशन का सामान रखते वक्त किसी बात पर नील भट्ट ने ऐश्वर्या को टोक दिया। बस फिर क्या था, इसी बात पर मैडम को गुस्सा आ गया और ऐश्वर्या आग बबूला हो गई। ऐश्वर्या पति नील पर बुरी तरीके से चिल्लाने लगी और कहा कि वो उसका या किसी का भी नहीं सुनने वाली। दोनों लड़ते हुए एक दूसरे के मुंह के पास आ गए और ये सिचुएशन ऐसी लगने लगी कि कहीं हाथ ही ना उठ जाए। बाकी घर वाले उनके बीच बचाव के लिए आने की कोशिश करते हैं, पर इस बीच वो रुक जाते हैं ये सोचकर कि ये तो भाई मियां बीवी का मामला है। और इसके बाद जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो ऐश्वर्या नील और अंकिता विकी जैन ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया और इसी नॉमिनेशन के दौरान ऐश्वर्या और अंकिता की गंदी लड़ाई हो गई। दोनों एक दूसरे को चुड़ैल तक बोलने लगी और यहाँ जब नील ने ऐश्वर्या को शांत करवाने की कोशिश की तब वो उल्टा उनके ऊपर ही भड़कती नजर आई। बोली कि डोंट टच मी, जब मैं फाइट कर रही हूं तो डोंट टच मी। इतना कहकर वो नील भट्ट को उंगली भी दिखाती नजर आई। इसके बाद भी कई मौकों पर नील ने ऐश्वर्या को संभाला। ट्विटर पर कई सारे क्लिप्स दोनों के वायरल हो रहे हैं जिसमें ऐश्वर्या कभी अंकिता को तो कभी नील से लड़ती नजर आ रही हैं। खुद नील भट्ट भी हैरान हो रहे हैं कि आखिर ऐश्वर्या ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा कभी खुद लड़ने लगती हैं तो कभी रोने लगती हैं, वहीं नील भट्ट उन्हें हमेशा शांत करवाते प्यारे पति की तरह नजर आते हैं। तो वहीं कभी बीच बीच में नील भी ऐश्वर्या को लाड प्यार से समझाते भी नजर आते हैं। भले ही ये मियां बीवी के बीच का मामला हो पर यूजर्स को ये पसंद नहीं आ रहा। ऐश्वर्या शर्मा का जो रूप देखने को मिल रहा है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए अब आपको सोशल मीडिया पर यूजर्स की टिप्पणी बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, ये हो रही है नील भट्ट की नेशनल टेलीविजन पर इज्जत। तो एक और यूजर ने लिखा, वैम्प आ गई, बिग बॉस 17 की सबसे नेगेटिव करेक्टर। तो एक और यूजर ने ऐश्वर्या शर्मा के बारे में लिखा, ऐश्वर्या शर्मा को पागल खाने में होना चाहिए। तो एक और यूजर ने ऐश्वर्या के बारे में ही लिखा, ऐश्वर्या ने अपना लेवल गिरा दिया, तमीज नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, ये है बेस्ट कपल। सोशल मीडिया पर यूजर्स ऐश्वर्या के ऊपर भड़कते नजर आ रहे हैं। तो एक और यूजर ने ऐश्वर्या के बारे में पोस्ट शेयर किया और लिखा, मर्दों के लिए खतरा है ऐश्वर्या शर्मा। तो एक और यूजर ने लिखा, शर्मनाक है, 3 हफ्ते से छुपा कर रखा था ये कैरेक्टर। अब देखना होगा कि इस वीकेंड का वार यानी कि शुक्रवार और शनिवार को सलमान खान ऐश्वर्या शर्मा के बिहेवियर को लेकर आखिर क्या कुछ कहने वाले हैं। जिस तरह से सलमान खान ने अंकिता के प्रति विकी जैन के बर्ताव पर उन्हें समझाया था, हो सकता है कि उसी तरीके से ऐश्वर्या और नील को भी समझाएं। वेल, अगर आप भी बिग बॉस सीजन 17 को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ऐश्वर्या नील की बॉन्डिंग अच्छी लग रही है या फिर अंकिता और विकी की। और बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें MBT एंटरटेनमेंट। Till then, this is me, Prerna Kaushik, signing off.